हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ये जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे लिए भी हो जाएगा, माही के ब्रेकफास्ट टिफिन के लिए भी हो जाएगा, अद्विक के टिफिन के लिए भी हो जाएगा, तो सारा काम इसी में हो जाएगा। तो ये है आटे की बनता है ये। एक्चुअली मैं उखड़पेंडी बना रही थी। ये महाराष्ट्रियन डिश है, ये आटे की बनती है। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसी वजह से मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर ना करूँ। और काफ़ी लेट भी हो चुका था, मतलब बहुत ही भागदौड़ हो रही थी यहाँ पर, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ, मतलब सिर्फ आपको दिखाई देती हूँ, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अभी कि क्या क्या डाला है इसमें। पहले प्याज डाला है, तो प्याज होने दिया है। उसके बाद मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बस धनिया पाउडर डाला था। और उसके बाद जो आटा होता है हमारा गेहूं का, तो वो डाला है। और इसमें ना तेल ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। एक्चुअली ज़्यादा तेल ऐड करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आटा जो है उसमें अगर पानी आप मिलाते हो तो वो ना चिपकने लगता है, तो इसी वजह से तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। और इसे आटे को बहुत ही अच्छे से भून लेना होता है, तो ज़्यादा मतलब भून जाने के बाद, अच्छे से भून जाने के बाद उसमें ना गर्म पानी ऐड करना पड़ता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा ही पानी ऐड कर दोगे, मतलब एक बार में ही पानी ऐड कर दोगे ना, तो इसका थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी आप जितना उसमें बैठेगा उसमें उतना पानी आपको उसमें ऐड करना है, और इस तरह से आपको चला लेना है अच्छे से, ताकि हमने जो पानी ऐड किया है उसमें वो इवनली स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से आपको अच्छे से चला लेना है उसे। और उसके बाद ना हमें क्या करना है, उस पर ढक्कन रख के हमें स्टीम आने देना है, तो जो हमारी उखड़पिंडी है वो रेडी हो जाएगी। बस इसी तरह से ब्रेकफास्ट बन गया था। उसके बाद उसके ऊपर डालने के लिए मैं यहाँ पर धनिया पत्ता काट रही थी, तो धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल देंगे, और उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं उखड़पिंडी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पता ही होगा, और अगर आप महाराष्ट्र से भी हो तो आपकी तरफ पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो हमारे साइड में खाते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी पता चले। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा तेल ज़्यादा ऐड करना है और अच्छे से भूनना है इसी आटे को, बस इस पे ही डिपेंड है सारा कुछ, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है, आप इसे दही के साथ अगर खाते हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा ना मतलब चीनी ऐड कर दोगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। और नमक ऐड करना मत भूलिएगा, मैंने आपको नमक ऐड करना नहीं बताया था, तो नमक ऐड करना मत भूलिएगा। बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है, अभी मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी अद्विक का, माही का, और बस हम लोग भी थोड़ा सा उसमें से बच जाएगा तो वो हम लोग खा लेंगे। और हाँ, मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि उसमें मूंगफली भी ऐड करनी होती है। जब आप कढ़ाई में तेल डालोगे तो उसके बाद मूंगफली फ्राई कर लेनी है आपको, और उसके बाद आपको प्याज डालना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माही को दो टिफ़िन देने पड़ते हैं, एक ब्रेकफास्ट टिफ़िन होता है उसका और एक लंच टिफ़िन होता है। तो यहाँ पर ये जो उखड़पिंडी है वो मैं उसके ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए बना रही थी, और लंच टिफ़िन में तो उसे रोटी और सब्जी देनी पड़ती है। तो सॉरी, मैं वो शूट नहीं कर पाई, वो मैंने इससे पहले ही बना लिया था, तो इसी वजह से वो शूट ही नहीं कर पाई मैं, और यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। एक्चुअली ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, तो इसी वजह से मैं ना सुबह कभी व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ। मतलब थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको हर व्लॉग में थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा देती हूँ, बट एक साथ मुझे आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करना था आपके साथ, तो इसी वजह से मैंने आज आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा सारा शूट कर लिया। और हाँ, इससे पहले भी जो मैंने मॉर्निंग क्लीनिंग वाला रूटीन आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें भी आपने काफ़ी सारा देख लिया है इसमें से। यहाँ पर हो गया है बच्चों का टिफ़िन पैक, तो माही के तो दोनों टिफ़िन पैक हो गए थे, माही चली गई थी स्कूल, और यहाँ पर अद्विक का भी टिफ़िन पैक हो गया था, तो अद्विक पर मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये ना क्या कहते हैं, ये नहाते हैं तो उसी टाइम अद्विक को नहला देते हैं और मेरे पास भेज देते हैं, तो मैं उसे रेडी करती हूँ, तब तक ये नहाते हैं। फिर नहाना हो जाने के बाद दोनों भी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाप बेटे, और उसके बाद फिर दोनों का ब्रेकफास्ट होने के बाद ये, मैं तो ऑलरेडी उसे रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर वो उसे स्कूल छोड़ देते हैं, और मेरे लाने की ड्यूटी होती है, मैं उसे स्कूल से लाती हूँ अद्विक को। और माही को तो बस ही है, तो इसी वजह से माही को लाने की ज़रूरत नहीं, माही की बस रोड तक ही आती है यहाँ पर घर के पास ही, तो सिर्फ अद्विक को, अद्विक की स्कूल पास में ही है, तो इसी वजह से एकदम पास है अद्विक की स्कूल, तो इसी वजह से इसके लिए बस नहीं लगवाई है हमने, तो मैं कुछ मतलब ये छोड़ देते हैं और मैं लेने जाती हूँ। इसी वजह से ये, इसकी जो ड्यूटी है वो हम दोनों ने डिवाइड कर ली है। बट अद्विक की ना एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, छोटे बच्चे इतनी सुबह उठने के लिए और स्कूल में जाने के लिए रोते हैं, बट
ये कभी नहीं रोता है स्कूल में जाने के लिए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मैं स्कूल में नहीं जाता हो करके। तो इसकी मुझे यही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जब भी हम लोग उसके स्कूल का नाम लेके उठाना पड़ता है उसे, चलो बेटा स्कूल जाना है करके, तो बहुत जल्दी उठ जाता है। अगर वैसे उठाओ तो नहीं उठेगा, बट स्कूल का नाम लेके अगर मैं उठाऊंगी ना उसे तो बहुत जल्दी उठ जाता है। नहीं तो हम ही होते हैं कि हम बड़ों को ही ठंडी में उठने का मन नहीं करता है, बट हमारी बाकी की जिम्मेदारी होती है तो उसकी वजह से हमें उठना पड़ता है। वरना अगर हमें कोई टेंशन नहीं रहा तो हम लोग उठेंगे भी नहीं इतनी ठंड में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस साल कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है महाराष्ट्र में। एक्चुअली ना महाराष्ट्र में ठंड नहीं पड़ती है इतनी, बट इस साल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है महाराष्ट्र में भी। अभी अभी थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, नहीं तो इस साल तो ठंड ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। और बस यहाँ पर हो गया है अद्विक रेडी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हाय बोल दो। हाय गुड मॉर्निंग बोलो बोलो। अद्विक स्कूल के लिए रेडी हो चुका है। ओ थैंक यू, दे दो ना। आज मूड नहीं है, मूड नहीं है, मूड नहीं है। चल। और हाँ, अद्विक को जब भी मैं रेडी करती हूँ उसके बाद अद्विक ना उसके पापा के साथ ये वो करता है, भगवान की पूजा करता है। तो यहाँ पर वो फूल लेके आता है और उसके बाद उसको भी थोड़ा सी आदत लगवाई है कि पूजा वगैरह करने की, उसके पास अगरबत्ती वगैरह दे देते हैं और वो पूरे घर में घुमाता है। तो इस तरह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसका वो सारी चीज़ें करना। एक्चुअली उसके पापा जैसे जैसे करते हैं वैसा वैसा वो देख देख के करता है। तो यहाँ पर उसके शू वगैरह मैं पहना देती हूँ और उसके बाद वो रेडी हो जाता है तो उसके पापा के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। तो यहाँ पर दोनों भी बाप बेटे जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं बातें करते हुए, और तब तक मैं उसकी बैग पैक करती हूँ, मतलब उसका टिफ़िन उसमें डाल देती हूँ और उसकी बैग रेडी कर देती हूँ। एक्चुअली ना जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब तक कोई भी कुछ भी नहीं, घर का दूसरा काम होता है मतलब क्लीनिंग वगैरह, तो वो घर की कुछ भी काम नहीं होता है। जब अद्विक स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, मतलब हमारी हम दोनों भी चाय पी लेंगे उनके साथ। थोड़ा सा वही टाइम मिलता है कि ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हम लोग चाय पी लेते हैं साथ में, और उसके बाद फिर वो अद्विक को छोड़ने जाते हैं। उसके बाद आने के बाद वो खुद की ड्यूटी की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से फिर चाय पीने के लिए टाइम मिल जाता है हमें साथ में, और उसी टाइम में हम लोग थोड़ी सी बातें बातें भी कर लेते हैं सुबह की। तो हमारा थोड़ा सा टाइम हम लोग उसी टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, और उसके बाद तो फिर क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अद्विक चला गया था स्कूल और उसके बाद हो रही है मेरी यहाँ पे क्लीनिंग। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया था और खाना बनाया था, मतलब जो लंच टिफ़िन के लिए माई के लिए बनाया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बन गई थी। तो थोड़ा सा गैस का जो स्लैब है वो थोड़ा सा मेसी हो गया था, तो इसी वजह से यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ, उसी टाइम मैंने थोड़ी सी कर ली थी तो आपको थोड़ा सा क्लीन ही दिख रहा है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं रहा तो मेरा खाने पीने में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं आराम से खा पी नहीं सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं पहले ही थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो डीप क्लीनिंग है, मतलब जो गैस वगैरह है वो क्लीन करना है, या नीचे का तो जो आटा वाटा गिरा था तो वो मैंने पहले क्लीन कर लिया था। बट गैस पे होता है ना थोड़ा सा चिकनाहट होती है, जो हम सब्जी वगैरह सब्जी का तड़का वगैरह लगाते हैं तो फिर उस पे जो तेल गिरा होता है वो होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो वो मैं गैस पूरा क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसके नीचे का स्लैब वगैरह सारा कुछ क्लीन करके, और फिर उसके बाद मैं जिस जिस पे मेरे हाथ लगे थे, जैसे कि खाना बनाने के टाइम मिक्सी पे हाथ लगते हैं, मतलब जो हमारे आटे के हाथ होते हैं, गंदे हाथ होते हैं, तो वो सारे जगह पे लग जाते हैं हमारे, तो वो सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मिक्सी का काम हो गया था तो मिक्सी का वायर मैंने लगा के रख दिया, तो इस तरह के जो काम होते हैं, और गैस का स्लैब थोड़ा सा मेसी दिख रहा था तो वो पूरा क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो मतलब एक्स्ट्रा जो सामान होता है गैस के स्लैब में पड़ा, तो वो मैं उठा के रख देती हूँ। जो धोना है वो धोने के लिए बेसिन में डाल देती हूँ, तो उसके बाद वो बर्तन भी धोने होंगे मुझे, तो वो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। फिर अद्विक स्कूल जाने के बाद तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, 2 घंटे का, 2 2.5 घंटे का, फिर उसके बाद टाइम मिलता है अद्विक स्कूल जाने के बाद। तो मैं सोचती हूँ कि अद्विक आने तक मेरा
पूरा काम हो जाए। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, अद्विक स्कूल जाने के बाद तुरंत ही क्लीनिंग में लग जाती हूँ, तो मेरी क्लीनिंग तब तक हो जाती है, फिर मेरा नहाना वगैरह हो जाता है, फिर तब तक हो जाता है अद्विक को लाने का टाइम, तो फिर अद्विक को लेने जाना होता है। तो इसी वजह से मैं जब तक अद्विक स्कूल में रहता है, 2.5 घंटे का उसका स्कूल रहता है, तो 2.5 घंटे तक तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, सारे काम मेरे हो जाते हैं एक्चुअली तब तक, जो सुबह के काम होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, बर्तन धोना होता है, सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें मेरी हो जाती है तब तक जब तक अद्विक स्कूल से नहीं आता है। एक्चुअली इस वीडियो में ना थोड़ी सी क्लीनिंग जो है मैंने शॉर्ट में ही दिखाई है आपको, क्योंकि जो मेरा क्लीनिंग वाला वीडियो है, मॉर्निंग क्लीनिंग वीडियो, हाउस क्लीनिंग वाला, तो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक करना मत भूलिएगा, आपको वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
सारे काम हो चुके हैं और हाँ अभी हुई हूँ फ्री मैं, और मैं जा रही हूँ नहाने, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना मुझे, और अगर आपके लिए हेल्पफुल तो नहीं रहा होगा बट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।